पैराबोलाइड शेप की बॉडी है, पैराबोलाइड शेप की बॉडी है, तो अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर, ये वाली जो ये जो डिस्टेंस है यहाँ यहाँ इसका सेंटर है ये, या वर्टेक्स है ये वाला, ये यहाँ ये सर्कुलर सरफेट का सेंटर यहाँ है, और इस ओरिजिन से और ये वाला डिस्टेंस जो है वो एच दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो तो क्या इसके पास वॉल्यूम मास ऐसा कुछ है क्या, वो हमें पता ही नहीं कि इसका वॉल्यूम कितना है, मास कितना है, ये सारा हमें कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। देखो कॉमन सेंस की बात है, जो मासेस है जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटर से, सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर ही आएगा, सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कोई एलिमेंट लूँगा यहाँ से, तो सॉलिड है, तो सॉलिड है तो ऐसे अगर मैं एक एलिमेंट कट करूंगा तो वो बेसिकली क्या आएगा, डिस्क आएगा। यहाँ से मैं कट करूंगा तो वो डिस्क आएगा, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके एक्स एक्सिस पे आएगा। तो जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास डिस्क 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 एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस में कोई सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा। क्लियर है? तो चलो, तो सबसे पहले जो एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास का उसका फार्मूला क्या है, एक्स एक्सिस में बोलो, इंटीग्रेशन एक्स डी एम, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम जो होता है, डीएम मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई मटेरियल डेंसिटी रो। तो ये फार्मूला मैं वॉल्यूम के टर्म में इसको लगाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वी डोंट नो अबाउट द वॉल्यूम ऑफ दिस पैराबोलाइड शेप बॉडी, तो इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता यार, तो वॉल्यूम नहीं पता तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलो यहाँ से मैं गया, यहाँ से डिस्टेंस पर और एक कट किया, और ये जो कट लगाया डिफरेंशियल एलिमेंट, दिस डिफरेंशियल एलिमेंट इज अ डिस्क। यहाँ से मैं गया एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, और थिकनेस डी एक्स, थिकनेस डी एक्स का हमने एक एलिमेंट लिया, एंड दिस एलिमेंट इज डिस्क, दिस एलिमेंट इज डिस्क। ये जो एलिमेंट है, ये वाली जो एलिमेंट है, दैट इज द डिस्क। ये इस टाइप की एक डिस्क आएगी, जिसका जो ये वाली डिस्टेंस है ये, दैट इज वाई, सेंटर इसका रेडियस जो आ जाएगा वो वाई आ जाएगा, और इसकी जो थिकनेस है दैट इज द डी एक्स। तो इस डिस्क की जो वॉल्यूम हो जाएगी, स्मॉल वॉल्यूम डीवी, इसकी एरिया पाई वाई स्क्वायर, और इसकी थिकनेस डी वाई, दिस इज द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क। ये जो डिस्क हम लोग लिए हैं, उस डिस्क का स्मॉल वॉल्यूम आ गया। अगर मुझे इसका स्मॉल वॉल्यूम आ गया, तो अब मैं इस वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर दूंगा लिमिट लगा के, तो मुझे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाई दो वेरिएबल है, आप इधर जा रहे हो तो एक्स वेरी कर रहा है, साथ साथ वाई भी वेरी कर रहा है, तो एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, तो वो कुछ रिलेशन से रिलेट होंगे। तो पैराबोला में जो रिलेशन से रिलेट होते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई द प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला का इक्वेशन, इस टाइप का पैराबोला होता है इस टाइप का, तो उसका इक्वेशन एक्स और वाई ऐसे आपस में रिलेट होते हैं। तो जो टोटल वॉल्यूम है, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन आ जाएगा, पाई वाई स्क्वायर डी वाई, और एक्स एंड वाई रिलेटेड है, और इसकी थिकनेस डी एक्स लिए थे ना, दिस इज द डी एक्स नॉट डी वाई, दिस इज द डी एक्स। तो ये जो है वो एक्चुअली पाई स्क्वायर डी एक्स, इसकी थिकनेस डी एक्स है, और एक्स की लिमिट देखो, मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो एक्स यहाँ से एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर, और वो मुझे इसका लिमिट आ जाएगा। तो जब मुझे लिमिट इतना मिल गया, तो मुझे वॉल्यूम कितना मिल गया यार, ठीक है? चलो, तो मुझे वॉल्यूम इसका मिल जाएगा, तो वॉल्यूम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एच तक, तो टोटल वॉल्यूम इस पैराबोलाइड को मिल जाएगा, वो आ जाएगा पाई बाहर आ गया, एंड वाई स्क्वायर हियर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, एंड अगेन जीरो टू एच, तो फाइनली पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैराबोला। अभी तक हम लोग क्या किए, इसका वॉल्यूम निकाले, अभी तक हमें वॉल्यूम नहीं पता था। इससे पहले जो भी स्टैंडर्ड फिगर करते थे, हेमीस्फीयर, कोन, इस टाइप की बॉडी का किया करते थे, उसमें हमें डायरेक्ट वॉल्यूम पता था। ये कुछ अलग टाइप का है, जिसमें हमें वॉल्यूम पता नहीं होता है, तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वो हम कर लिए वॉल्यूम कर लिए। अब एक्स और डी वी, स्मॉल वॉल्यूम है वो हम लोग इधर निकाले हैं, ये डी एक्स है, तो ये डी एक्स है, तो स्मॉल वॉल्यूम अब इसमें निकाल रख देंगे, इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलो
इस फार्मूले का यूज करते हैं। ये जो फार्मूला है ये वाला XCM इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आ गया पाई एच स्क्वायर 1 × 2, ठीक है, 1 × 2 इंटीग्रल, ये वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम यहां रख दिए, इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और x क्या है, ये डीवी एलिमेंट है, उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है। तो ये जो डीवी एलिमेंट है, जो एलिमेंट लिए हैं डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास यही आएगा, ठीक है, उसके सेंटर पे। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हो तो x ही रहेगा, तो ये x ही रहेगा, x रहेगा ये। और x अगर ये रहेगा और डीवी की वैल्यू डाल दो, तो डीवी की वैल्यू हम लोग उधर निकाल के लेके आए थे, देखो लास्ट में उधर डीवी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, क्लियर है ये पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अब जो डी एक्स है, समझना, जो डी एक्स है, एक्स में इंटीग्रेशन हो रहा, और एक्स की जो लिमिट है 0 to h तक जाएगी, स्क्वायर यहां से वाई स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2 पाई एच का स्क्वायर, पाई एच स्क्वायर, और ये तो y, ये पाई एक बाहर आ गया, और ये वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर और डी एक्स बन गया, और ये 0 to h बन गया। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ, इन्हें पाई को खत्म कर दिया, तो 2h स्क्वायर, ठीक है, और ये इंटीग्रेट होके इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, तो ये इंटीग्रेट होके बनेगा h की पावर 3/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2h/3, ठीक है, x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 2h/3 पे आएगा ओरिजिन से। मतलब अगर एक बॉडी है ये, और ये पैराबोला, ये हेमिस्फीयर नहीं है, बी केयरफुल, ये हेमिस्फीयर नहीं है, ठीक है, ये पैराबोलाइड शेप में बॉडी है, और ये सॉलिड फिल है, ठीक है, सॉलिड है, और इसका जो बेस से जो सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ से आएगा वो h/3 पे आएगा, और ऊपर से जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए, यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो 2h/3 पे आएगा, इधर कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास, क्लियर है।